एवरीवन। तो आ चुके हैं हम रीजनल साइंस सेंटर, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि हमारे भावनगर में ऐसी अच्छी खूबसूरत चीज़ बनी हुई है, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो ठीक है, आप पढ़ लो इधर क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह की कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो चलो अंदर जाते हैं। यहाँ से है एंट्री गेट, देखो ये पूरी किस तरह की होने वाली है, देख लो अभी। देखो पेड़ सब बड़े बड़े हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, और पूरी सिटी इस तरह की है कुछ। ये हो रहे हैं बाहर, वाह। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह की कौन सी चीज है, ठीक है। देखो किस तरह की मछली है, एक बात बोलूं मैं कि पहली बार देख रहा हूं। ओके बोला फिंगर डावन है दिया। गाइस यहाँ पे डायनासोर किस तरह, डायनासोर नहीं ये शार्क है या डायनासोर है, प्राचीन दरियाई जीव, ठीक है। तो ये तो असली नहीं है, नकली है, मगर कुछ इस तरह के हड्डियाँ और इस तरह के प्राणी होते थे। वाह, मैंने सब सच में पहली बार ऐसे चीज देखी है कि इस तरह की हड्डियों का ढांचा होता है। इस तरह के जीव होते थे। देखो यहाँ पे सारी सूचना लिखी हुई थी किस तरह की मछली है, मुझे एक का भी नाम नहीं पता, ठीक है। इसका नाम पता है कि इसका नाम ऑक्टोपस है, ठीक है। मुझे सिर्फ इसका नाम पता है कि इसका नाम ऑक्टोपस है।
देखो किस तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े दिखाए हुए हैं मगर किस तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। सभी के नाम तो लिखे ही आप पढ़ेंगे ना, नहीं ये तो इंग्लिश नहीं पढ़ा, ये अच्छी तरह से आपको नाम बता सके, गुजराती में भी है। शायद मूवी में सभी ने देखे हुए फिराना फिश से, ठीक है, समुद्र की सबसे खतरनाक फिश होती है जो हमको भी खा सकती है और किसी को भी खा सकती है, उसे खाने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक सेकंड में पूरा खत्म कर सकती है, ठीक है। तो इससे तो समुद्र में आप और इस तरह की मछली के तो पा लेना जरूर, ठीक है, इससे तो दूर ही रहना आप चाहे। और हमारे इंडिया में मछली नहीं पाई जाती, ये अफ्रीका और देशों में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए हम तो सेफ्टी इस मछली से, ठीक है। तो चलो आगे की चीजें आपको दिक्कत है, देखो इधर नदी का मुख है तो किस तरह का नदी का मुख होता है, ठीक है, इस तरह का कुछ नदी का मुख होता है, ये नदी आके समुन्द्र से मिलती है, सूचना लिखी है, ठीक है, इधर वो देखो कितनी अच्छी फिश दिख रही है, इसको डॉक्टर फिश बोलते हैं, वो पतली पतली है ना, वो देखो उधर उस मछली को खा रही है, ऐसा लग रहा है ना पीछे पीछे घूम रही है, ये क्या करती है कि उसके ऊपर सम्स होते हैं ना उसको खा लेती है, ठीक है, इसलिए उसको डॉक्टर फिश कहते हैं। वाह कितनी अच्छी फिश है, देख लो देखो ये है गोल्डन फिश, और ऊपर देखो इस तरफ देखा वहां पे गाइस देखो इस तरह के कुछ टापू होते हैं, देखो किस तरह की झाड़ियां होती है, ऐसा नजारा तो हमने सिर्फ डिज्नी में देखा है, ठीक है।
इंसान का मगज है जो किसी का गिर गया है तैरते वक्त। किसी का मगज यहाँ पे गिर गया है, अगर आपका किसी का हो तो आके ले जा सकते हो, ठीक है? मैं इससे बात करके आपका निकाल दूंगा, ठीक है? अगर आप में से किसी का हो तो ले जाना, ठीक है? यहाँ किसी काम का नहीं है। मजाक कर रहा हूँ भाई। ये देखो, ये क्या चीज है? ये इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक के लिए? वाह, अगर आपने मूवी में देखा होगा क्या ये चीज़ शॉक लगता है, वही है, ठीक है? इससे शॉक लगेगा, अगर हमने इसको सुहा तो जोरदार झटका देगा हमको। इसको बेहोश करने के लिए इसका झटका सिर्फ काफी है, ठीक है? हमको काफी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ फिश होते हैं, ठीक है? काफी मगज कर रहे हैं, ठीक है? किसी का ये पानी में भी रह सकती है और कीचड़ में भी रह सकती है, तो इस तरह से कुछ बाहर रह सकती है। फीस ये सब ऐसा गहरे समुद्र में इस तरह की झाड़ियाँ और ये सब चीज गहरे समुद्र में होती है। यहाँ पे देखा भी है और गुजराती में देखा है। यह कल्पना कल्पना यह अंग्रेजों का जहाज कुछ इस तरह का होता था, ब्रिटिशरों का। ब्रिटिश साम्राज्य जैक स्पैरो। जैक स्पैरो किस किस ने मूवी देखी? सिकाई जापान सबमरीन है कुछ इस तरह की। ये तो पुरानी है, लेकिन डेवलप वाले वो नहीं है, बहुत पुरानी है।
चक्रनी शोध। देखो यहाँ पे दिखा रहा है चक्र की शोध कैसे हुई थी, किस तरह का पहले चक्र होता था। ईस्वीसन 3300 या 22। यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से सर्दी थी। Thank you.